हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद अपूर्वा। आज मैं बनाने वाली हूँ कुल्फ़ी। तो कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और 1 चम्मच मैं व्हीट फ्लावर लूँगी और 1 चम्मच मैं राइस फ्लावर लूँगी। दोनों को मैं लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो कुल्फ़ी में अगर हम ये डालते हैं इन्ग्रीडियंट्स, इससे कुल्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। और अगर आपके पास राइस फ्लावर और व्हीट फ्लावर नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्न फ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करूँगी। आपको हाई फ्लेम पे रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो मैं लो फ्लेम पे अच्छे से इसे रोस्ट कर लूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट हो गया है। और अभी मैंने गैस जो है ऑफ कर दिया है और उसके बाद मैंने इसे साइड में रख लिया। सेम बर्तन में मैंने यहाँ पे फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ करी है। आप चाहे तो यहाँ पे हल्का सा पानी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और जब भी आप कुल्फ़ी बनाते हैं तो जो कढ़ाई है ना, मोटी वाली होनी चाहिए। आई मीन दूध उसमें चिपकना नहीं चाहिए, ऐसा आपको बर्तन यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई लिए जो मोटी है और इसमें क्या होगा, दूध है वो चिपकेगा नहीं। तो मैंने उसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ये जो हमने जो फ्लावर जो है रोस्ट किया था, इसमें मैं जो है नॉर्मल दूध डालूँगी और इसके अच्छा सा इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। मतलब लम्ब्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मैं इसको जो है घोल लूँगी। उसके बाद मैं इसे छान के दूध में डाल दूँगी। इसे बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे हिट लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैंने अच्छे से इसको जो है पेस्ट को जो है मिक्स कर लिया है दूध में। और यहाँ पे मैंने नॉर्मल दूध यूज़ करी है। और उसके बाद मैं इसको दूध में छान के डालूँगी। आपको छान के डालना है, आप ऐसे ही मत डालिएगा। और उसके बाद इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी छानने के बाद। और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। एक बार इसको बॉयल होने के लिए देना है। और उसके बाद जो है जब बॉयल हो जाएगा दूध, तब हम इसमें ये जो है फ्लावर जो है डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको छान रही हूँ और छानने के बाद मैं इसे डाल दूँगी। आपको ज़्यादा इसे रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, दूध को इतना काफ़ी है। और मैं इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। और ध्यान रखना आपको कुल्फ़ी बनाते टाइम कि आप कोई भी बर्तन यूज़ करें वो मोटा होना चाहिए। आई मीन दूध उसमें चिपकना नहीं चाहिए, नहीं तो कुल्फ़ी नहीं बन पाएगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून होममेड इलायची पाउडर डाला है। आप चाहे तो मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी शुगर। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वैसे कुल्फ़ी में थोड़ी ज़्यादा लगती है, मैंने यहाँ पे कम डाला है। तो आप अगर चाहते हैं इससे ज़्यादा भी डालना तो आप डाल सकते हैं। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीनी जो है रहना नहीं चाहिए। और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। यहाँ पर आपको जो दूध है ना, ज़्यादा आपको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बॉयल हो जाएगा और लो फ्लेम पर आप रख दीजिए। और हल्का सा बस ये रिड्यूस होना चाहिए, जैसा मैंने अभी किया है बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने चीनी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये जो है कम्प्लीटली ठंडा हो गया है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिया है सैफरॉन। इसको मैंने गर्म दूध में रख दिया था, केसर रखा था और उसको मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद ये जो मिल्क है इसको हम रख देंगे कुल्फ़ी मोल्ड्स में। और यहाँ पे मैं इसको ओवरनाइट के लिए जो है रख दूँगी फ्रीजर में। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो हमारा कुल्फ़ी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने इसको कुल्फ़ी मोल्ड्स में रख दिया। और ये देखिए, इसको मैंने ओवरनाइट रखा था और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर पानी में रखूँगी। इससे क्या होगा, जो कुल्फ़ी है ना ईजिली निकल जाएगा मोल्ड से। तो ये देखिए हमारा जो कुल्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गया और ये खाने बहुत टेस्टी लगता है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप फुल फैट क्रीम मिल्क लें। और उसके बाद जो बर्तन आप यूज़ करते हैं ना वो मोटा होना चाहिए, उसमें दूध जो है चिपकना नहीं चाहिए। बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका कुल्फ़ी एकदम परफेक्ट है। और अगर आपके पास फ्लावर नहीं है, राइस फ्लावर और व्हीट फ्लावर, तो आप वहाँ पे कॉर्न फ्लोर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये जो रेसिपी है पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे हिट लाइक शेयर एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कुल्फ़ी की रेसिपी कैसी लगी।